पॉडकास्ट कॉर्नर और आज की वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि स्टील जैसे मैं मेंटेन करती हूँ। मैंने बहुत पुराना वीडियो बनाया था जब मैं नो स्टार्ट में यूट्यूबर हुआ करती थी और इतनी सीरियस भी नहीं थी, तो जो मुझे दिमाग में आता था मैं अपने डाल दिया करती थी कंटेंट। और वो स्टील को जो मैंने मेंटेन करने का कंटेंट डाला था उसने अभी तक मुझे ना डेली एक सेम मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये कहाँ से ख़रीदा, और बल्कि मैंने सारे वीडियो में दिखाया था कि मैंने कैसे उसको वॉश किया है और कैसे मेंटेन कर दी हूँ। बट मैं जो जगह पे रहती हूँ ना वो हार्ड वाटर है यहाँ पे, तो आप स्टील को जितना मेंटेन कर सकते हो उतना कर सकते हो, और कहीं कहीं चीज़ों में नहीं होता है क्योंकि बहुत हार्ड वाटर है, तो आपको कहीं कहीं मेरे स्टील में है ना इतना आपको स्पार्कल नहीं दिखेगा। और स्टील में काफ़ी सारे वैरायटीज होते हैं, स्पार्कल वाले होते हैं, सेमी स्पार्कल वाले होते हैं, वो मैं गोइंग फॉरवर्ड इसके शायद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगी। बट आज हम देखते हैं मेरे व्लॉग के साथ स्टील को कैसे मेंटेन करना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ चालू हो गई है फिर से बारिश, अराउंड 9 o'clock है ये, बारिश चालू हो गई है। बस और थोड़ा सा बारिश रहेगा ना तो गर्मी थोड़ी चली जाएगी, क्योंकि आज थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा था सवेरे मॉर्निंग में, पर ऐसा है यहाँ पे बारिश आता है और जाता है, मतलब कंटिन्यूसली आपका 1 or 2 days कंटिन्यूसली रहता है, रिमझिम भी चलेगा पर रहेगा ना थोड़ा बहुत तो गर्मी चली जाती है। अहमदाबाद में ये 5 सालों में मैंने पहली बार देखा है कि हमें ये बारिश मिल रही है, अदरवाइज़ बारिश इस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं होती है। ये रहा क्लाउड, ये देखो ये इतनी सी क्लाउड, बाकी वैसे तो क्लाउड भरा हुआ है बट ये मूविंग क्लाउड है, और ये नज़ारा है क्योंकि बारिश अंदर तक गिर रही है, तो मुझे करना पड़ेगा दरवाज़ा बंद। और ये आज मेरी सफाई का दिन है, ये देखो कैसे हो गया है। कोई ब्रांड प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ बट मैं ये रिफ्लेक्ट का यूज़ करती हूँ, ये स्क्रबर स्टील ने यूज़ करती हूँ, बाकी इसमें नहीं करती, तो अब मैं आपको जैसे बताने जा रही हूँ। तो ये और ये ही है, रिफ्लेक्ट का ही है ये भी, बट ये दूसरे ब्रांड का भी आता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, जगमग या फिर स्कार्कल ऐसे कुछ आता है अलग अलग नाम से, बट उसने है ना ये ऐसे साइंस होंगे जो ये सब चीज़ें आप साफ कर सकते हो। सो सॉरी ये उल्टा तोड़ा है मैंने, वर्ड यही है। इसके साथ मैं ये रिफ्लेक्ट का ही, ये अभी कल ही नया लाया था मैंने, तो अब ये मैं तोड़ूंगी और इस्तेमाल करूंगी। आप लोग जैसे उसे तोड़ना चाहते हो वैसे तोड़ सकते हो, मैं हमेशा ऐसे ही तोड़ती हूँ, कोई भी पैकेट के बीच में एक होल मार। कुछ ऐसा है, नॉर्मल आप रिफ्लेक्ट का ही यूज़ करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं, नॉर्मल भी आता है बट अच्छा अच्छा वाला रहेगा तो अच्छी बात है।
सो इतना ना दिस हाँ, तो मैंने एक प्रोसेस ख़त्म कर दिया है। जैसे आप देख सकते हो ये भी मेरे घर का रिफ्लेक्ट का ही है, ये भी मेरे घर का रिफ्लेक्ट का ही है। मैं हमेशा रिफ्लेक्ट का नहीं यूज़ करती हूँ, मैं विम भी यूज़ करती हूँ। ये डिश वॉशर है, ये मैंने डिश वॉश लिक्विड है जो जेल है वो मैंने एक बार अपने वेसल ने यूज़ कर लिया है। अब हम वो पाउडर यूज़ करने जा रहे हैं जो रिफ्लेक्ट जगमग है। सो चलिए चालू करते हैं। जैसे ये मैंने कहा पहले से मैंने डिश वॉश जेल से साफ कर लिया है, अब मैं वो पाउडर से करूँगी। आप एक साथ ही कर सकते हो, पर मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए पहले ये काम कर लिया है। अब बर्तन जैसे आप रोज़ साफ करते हो ना उदास, वैसे ही करना है आपको। और उसके बाद ये पाउडर लगा सकते हो आप, या उसी के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो फिर चालू करते हैं। मैं वीकली ऐसे मेरा सारा जो स्टील का बर्तन है वो मैं ऐसे साफ करती हूँ। वीकली में मेरा संडे या सैटरडे को करती हूँ जब भी मुझे वक्त मिले, पर वीक में एक बार कभी भी हो जाता है। ऐसे पर्टिकुलरली संडे ही हो ऐसा नहीं है, पर्टिकुलरली ये हो जाता है। जैसे मैं आपको ये एक पानी से धुलने के बाद और आपको एकदम क्लियरेंस दिखाई देगा। ये देखिए चमक रहा है ना, बस ऐसे ही हम सारा धो डालेंगे अभी। ये ऐसे मत समझिएगा कि मैंने एक बर्तन नहीं धोए है, मैंने पर्टिकुलरली ये वीडियो के लिए ये चार बर्तन रखे हुए हैं ताकि मैं वीडियो बना के दिखाऊँ आपको। चलिए बाकी का भी साफ करते हैं ऐसे। ये हार्ड वाटर स्टेन है, तो फिर ये भी मैं आपको क्लीन करके बताती हूँ। सेम इसी में स्टील है ये, इसमें आप पानी रखने या गर्म करने से, क्योंकि हमारा पानी जो है वो चला जाता है, तो हम पानी इसमें भरते भी है और गर्म भी करते हैं, तो उसके वजह से ये हार्ड वाटर स्टेन हो गया। एक दिन का स्टेन है ये, एक दिन का। ये तो डेली ही धुलता है, मतलब डेली वो रिफ्लेक्स से धुलता है। सो ये मैं अभी आपको झटपट करके बता, ये देखिए क्लीन हो गया ना। तो ये स्टील ने हार्ड वाटर एरिया में रिफ्लेक्ट तो काम करता है, और ने ये ब्रांड है रिफ्लेक्ट, तो उसका प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ। इसका जो ये पाउडर है वो अलग अलग नाम से भी मिलता है, आपको यूज़ कर सकते हो। और बस यही था बताना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो बताना ही था मुझे। ये रही, क्लीन हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करना बनता है, तो शेयर कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कंसिडर डूइंग द सब्सक्रिप्शन, आई अप्रिशिएट। एंड ऑलरेडी जो सब्सक्राइब है और मेरे साथ डे वन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू फॉर द सपोर्ट, एंड कीप सपोर्टिंग। अब ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। टिल देन, टेक केयर, कीप लविंग योरसेल्फ एंड सी हाउ यू।